इंसान का आना जाना उसकी बस की बात नहीं है। इंसान पूरब की ओर जाना चाहता है, किस्मत उसका कान पकड़ कर पश्चिम की ओर ले जाती है। अब तो बस एक बार किस्मत को मैं कह दूं कि जहां मर्जी हो तू ले जा, लेकिन मुझे कामयाबी के रास्ते पे पहुंचा दे। तकरीबन 10 साल से मैंने ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला बिकॉज ऑफ साहब कि मैं जो कॉपी करता था, जिसकी वजह से मुझे जो अच्छे रोल्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। मैं सिंगिंग भी कर रहा था, यहाँ भी अगर मुझे गवाया तो रिमिक्स गवा दिया, किसी ने मुझे सीरियसली नहीं लिया। साहब की कॉपी करते 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 मुझे दिल फिल्म मिल गई, उसके बाद मुझे एक नाम मिल गया डुप्लीकेट। प्रॉब्लम अब ये हुआ कि न मैं सिंगिंग की तरफ ज़्यादा रहा न मैं एक्टिंग की तरफ रहा, क्योंकि जो रोल्स मुझे चाहिए थे वो मुझे मिले नहीं, और जहाँ मुझे सिंगिंग में मकाम बनाना था वहाँ पे मैं नहीं बना पाया। हीरा निखाण माजे चमके हीरा कणियों, हर शो में जब मैं देखता हूँ सिंगरों को कि ये मैं बहुत आसानी से मैं कर सकता था, ये मेरा काम था और मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला। यहाँ की दुनिया जो है बड़ी जालिम है, आप जो चाहते हैं वो आपको बनने नहीं देते। पर जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी एक बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म के साथ, जो आई एम श्योर आप सबने देखी, सलाम नमस्ते, आफ्टर व्हिच ही मूव्ड ऑन टू तररमपम, और अब उनके नाम है रीसेंट ब्लॉकबस्टर बचना है हसीनों। सो प्लीज वेलकम सिद्धार्थ राजानंद। आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ शो टू एनकरेज सच न्यू टैलेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। मुझे बताइए सिद्धार्थ, आपको लगा कि आपने स्ट्रगल किया अपने काम के लिए और यू वर जस्ट रियली रियली लकी? आई थिंक आई'ड से आई एम रियली लकी। स्ट्रगल आई हैव नॉट सीन, सो गुड, वी इट्स गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड माय पेरेंट्स ब्लेसिंग्स बेसिकली। ओके, अब आप जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए, दोज हु वांट टू कम टू दिस इंडस्ट्री, जो इसका एक हिस्सा बनना चाहते हैं एंड आर विलिंग टू गो टू एनी लेंथ टू फॉलो देयर ड्रीम, what would be the one piece of advice you give? Just don't push it, don't push it, whatever has to happen will happen. Yes, you work hard, but don't sacrifice on something else, don't make your family suffer. I think don't just sit at home and wait ki main ek din star banunga, and yes, work hard, but give it some time. Main 2 saal apni zindagi ka dunga, okay, usse zyada I have to do something, but give yourself that much time and cut off date, and wo 2 saal apni jaan laga do aap. Well, दादा, आई हैव टू टेल यू कि आई थिंक आप पहले गेस्ट हैं जिन्होंने बहुत दिल से एकदम सच्ची बात कही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ड्रीम को फॉलो करने में कभी कभी पूरी जिंदगी लगा देते हैं एंड फैमिली सफर्स, बिल्कुल फैमिली सफर्स। और जैसा कि सिद्धार्थ ने कहा दैट गुड थिंग्स हैपन टू दोज हु डू गुड, तो अगर आप अपनी फैमिली की लाइफ को दांव पर लगा रहे हैं देन आई डाउट कि सक्सेस आपके पैर चूमेगा। फिलहाल देखते हैं कि आज हमारी परफॉर्मर्स में से कौन सिद्धार्थ का दिल जीत लेंगी, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।